हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज हम बनाएंगे काले चने की सब्जी। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मसालेदार होगी। इसको आप रोटी के साथ, पूरी के साथ या चावल के साथ आप खा सकते हैं एनी टाइम बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, काले चने की सब्जी। चने की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप चना, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। ये सोक्ड है और इसको मैंने कुकर में ऐड किया। पहले इसको उबालेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, सब्जी बनाएंगे। तो कुकर में मैंने इनफ वाटर ऐड किया, क्योंकि उबालना है इसको, तो पानी ज़्यादा डालें, 2 कप से ज़्यादा, जितना चना है उससे ज़्यादा डालें। और इसके बाद मैंने करीब 1 चम्मच नमक इसमें ऐड किया। और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको हाई फ्लेम पर करीब 4 से 5 सीटी आने तक पकाएँगे। तो आप देख सकते हैं सीटी आ गई, 4-5 सीटी हो गया। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया और उसको कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे, तब चेक करेंगे कि पकी है कि नहीं। तब जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडर जार में मैंने 1 प्याज ऐड किया कटा हुआ मोटे टुकड़ों में, फिर लहसुन ऐड किया करीब 7-8 पीसेज लहसुन के और कुछ टुकड़े अदरक के। इन तीनों को ग्राइंड करके एक बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया और बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है इसका, प्याज का। इससे क्या होता है, प्याज को ग्राइंड करके डालने से मसाले में इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और काफ़ी अच्छा स्वाद आता है ये सब्जी का, ये ऐसे ग्राइंड करके डालेंगे तो। तो इधर मैंने चेक किया, चना पक गया है, उंगलियों से दबा के किया, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और पक गया है बहुत अच्छी तरह, इजीली दब जा रहा है। तो इसका यहाँ पे पानी हम लोग नहीं निकालेंगे, पानी के साथ ही बनाएंगे ये चना, तो पानी इसका फेंके नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग सब्जियों में आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में कढ़ाई मैंने हाई फ्लेम पे 2 चम्मच तेल डाला कढ़ाई में और इसको अच्छे से गर्म होने दिया। कर जैसे ही गर्म हुआ, इसमें मैंने डाला 1 चम्मच जीरा, 2 टुकड़े सिनेमोन के, कुछ तेज पत्ते और 2 से 3 लाल सूखी मिर्च, और उसको तोड़ के डालें। कभी भी सब्जी में मैं तोड़ के डालती हूँ ये, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है एक मिर्ची से, मिर्ची तोड़ के डालने से फौरन में। इसको अच्छा सा हल्के से सॉटे कर लेंगे, हल्का सा जब ये चटकने लगे, जल जाए, तो इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ लंबे साइज में। फिर इसको फ्राई करेंगे प्याज को लगातार चलाते हुए। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाए, हल्का सा भून नहीं जाए और इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। जैसे जैसे ये भूनेगा क्वांटिटी कम हो जाता है और इसका पानी जल जाता है। तो वहाँ तक इसको पकाना है प्याज को। जैसे ही वो पक गया, उसमें मैंने ऐड किया पेस्ट जो हमने प्याज अदरक लहसुन का बनाया था, वो ऐड कर देंगे इसमें और इन सबको फिर अच्छे से भूनेंगे और पकाएंगे यहाँ पर। इसको तब तक पकाना है जब तक ये प्याज का पानी एकदम ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए, तब तक इसको पकाना है ऐसे ही चलाते हुए, मीडियम टू हाई फ्लेम रखें। तो कुछ समय के बाद यहाँ पे पक गया और इसका जो प्याज का पानी है वो भी ड्राई हो गया है। तो इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने करीब 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया, 2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 चम्मच ऐड किया, तो आप अपने तीखापन के अनुसार मिर्च यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड किया मैंने, साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि एक बहुत ही अच्छा मसाला बने और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आए। और पका लेंगे। तो जैसे ही ये मिला लेंगे, मसाला मिल जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक टेस्ट के अनुसार अपने ऐड कर लें इसमें। और इन सबको अच्छे से फिर से मैंने मिला लिया और यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के पकाना है मसालों को और प्याज को। तो करीब 3-4 मिनट के बाद मैंने चेक किया, काफ़ी ये ड्राई हो गया है और पक भी गया है और कढ़ाई से तेल निकलने लगा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे से ये पक गया है। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया उबले हुए चने,
जो हमने उबाल के रखे थे और उसके पानी के साथ ही ऐड करें ताकि वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पानी फेंके नहीं। तो पानी के साथ ही मैंने चना को ऐड किया इसमें और साथ ही ऐड कर दिया 1 हैंडफुल धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, और इन सबको मिला लेंगे और कुछ समय के लिए फिर से ढक के इसको पका लेंगे। और अगर यहाँ पे आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो बस थोड़ा सा ग्रेवी रखें यहाँ पे इसी, और अगर नहीं चाहिए, सूखी चाहिए तो इसका पानी सुखा लें कुछ देर ऐसे चलाते हुए, कुछ देर के बाद ये सूख जाती है, ऐसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूखी वाली बनाई है, तो यहाँ पे मैंने पूरा पानी ड्राई कर लिया है, सुखा लिया है इसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए। तो ये हमारा चना का सब्जी रेडी है खाने के लिए। तो इसको आप चपाती, पूरी, पराठे या चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।